गाइज आई विल बी सुपर क्विक इन दिस वीडियो बट दिस इज गोइंग टू बी अ मस्ट वॉच वीडियो अगर आपके ऐसे कुछ सवाल हैं. मैम रिविजन कैसे करें समझ नहीं आ रहा है. नंबर टू रिवाइज कर रहे हैं लेकिन बहुत सारा डेटा इंफॉर्मेशन है और पता है कि दोबारा इसको नहीं देख पाएंगे तो इसलिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फियर आ रहा है. और तीसरा मैम फास्ट ट्रैक रिविजन नोट्स कैसे बनाने हैं जिससे कि इस रिविजन में से भी फिल्टर आउट करके कुछ चीजें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम जो है अपने लास्ट मोमेंट स्टडी के लिए रखें. राइट वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस करूंगी. आपको जो भी लगता है कि जहां पे आप लैग बिहाइंड कर रहे हो उसको नोट कर लेना. सबसे पहली बात ये वो वक्त होता है आपके एग्जाम्स के पहले के 20-25 दिन जिसमें आप सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हो अपने दिमाग में डेफिनेटली बिकॉज आप इतने महीनों से जो पढ़ते आ रहे हो उसको आप कंपाइल कर रहे हो रिवाइज कर रहे हो. नंबर टू आप थोड़े बहुत नालायक तो हो ही कितनी ही स्ट्रैटेजी क्यों ना बना ली हो कुछ ना कुछ फ्रेश तो पढ़ रहे होगे. और नंबर थ्री इसी वक्त में आप अवेकन होते हो और आपको चस्का चढ़ता है आरटीपी एमटीपी सॉल्व करने का. तो मैं डेफिनेटली समझ रही हूं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमको पता होता है कि इसको हम आखिरी बार देख रहे हैं और दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा. तो मैम कोई तो ट्रिक होती होगी. आज हम मेहनत भी कर रहे हैं हमने पहले से इतने सारे नोट्स बनाए हमने फर्स्ट टाइम पढ़ाई की आज रिवाइज भी कर रहे हैं लेकिन क्या फायदा अगर इन छोटी छोटी माइन्यूट इन्नू सी बातों को हम लोग जो है लास्ट मोमेंट तक कैरी फॉरवर्ड करके ले नहीं जा पाएंगे. तो उस इफेक्टिव उस रिविजन का मतलब ही क्या हुआ. राइट तो बस इसका एक छोटा सा हैक बता दूंगी बहुत हेल्पफुल होगा और आपको बताऊंगी कैसे सुपर फास्ट ट्रैक रिविजन नोट्स बनाने हैं. नंबर वन वो बच्चे जो हाईलाइट से पढ़ने की कोशिश करते हैं पूरी की पूरी किताबों को पाइल ऑफ बुक्स को आपने रंग रखा है हाईलाइट रखा है तो आप याद रखना कि आपके दिमाग को आपका साइकोलॉजिकल फियर होता है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज स्ट्रेस भी होता है और फियर आता है इतनी सारी पाइल ऑफ बुक्स को और कलरफुल एवरीथिंग को देख करके. तो यहां पे मैंने हमेशा से बच्चों को बताया था कि या तो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं तो हैंड रिटन नोट्स टू द पॉइंट दे देती हूं या तो फिर आप अपने कंसाइज नोट्स बनाओ और उससे पढ़ो. इससे होता क्या है कि पाइल ऑफ बुक्स जो होती है वो फिल्टर आउट होकर के कंसाइज फॉर्म में हो जाती है उसमें कुछ क्वेश्चंस भी लिखे होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप उससे पढ़ना आपके दिमाग को ज्यादा इजी लगेगा. और यही तो ब्रेन हैक होता है कि दिमाग को जो चीज इजी लग रही होती है उसको करने में फोकस आता है और कॉन्फिडेंस भी ड्रॉप नहीं होता है. नाउ अगर ये स्ट्रैटेजी मेरी हमेशा से अपना रहे हो तो इस तुमसे ज्यादा सुखी आज की डेट में कोई नहीं है क्योंकि तुम ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप क्लियर कर चुके हो फिल्टर आउट कर चुके हो चीजों को. अगर तुमने ये मिस्टेक कर दी थी कि तुमने आज तक अपने कंसाइज नोट्स नहीं बनाए थे तो तुम्हारे लिए ये एक ट्यूटोरियल होने वाला है. देखो यहां पे मैंने आपको उल्टा दिखेगा लेकिन थोड़ा बहुत दिख जाएगा. बेसिकली मैंने गुडविल कैलकुलेशन हर बच्चे को अकाउंट्स में गुडविल कैलकुलेशन ड्यूरिंग एडमिशन टफ लगता है तो एक एग्जाम्पल उठाया एक इंस्टेंस उठाया. अब तुमने जो है ना किताबों को हाईलाइट कर रखा है तुमने क्वेश्चंस कम से कम 7-8 सॉल्व कर रखे हैं और अब तुम उसको फाइनल टाइम रिवाइज कर रहे हो लेकिन तुमको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है. ये किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक में हो सकता है हर बच्चे के लिए अलग. करना क्या है यार सिंपल सी बात है अपना आईपैड दिया अपने नोट्स लिए मैंने टॉपिक लिखा हुआ है आई नो तुमको दिख नहीं रहा होगा बट एक आइडिया लग जाएगा. मैंने पूरे के पूरे गुडविल के 5 पेजेस को क्वेश्चंस को एक छोटे से पेज में कन्वर्ट कर दिया. मैंने तो इसको बड़े फॉन्ट में लिखा है तुम इसको और छोटे फॉन्ट्स में लिख सकते हो. दिस इज योर फास्ट ट्रैक सुपर रिविजन नोट्स 1 डे बिफोर एग्जाम. देखो यार फंडा क्या होता है इसको बताती हूं. फंडा ये होता है ना वो बच्चा क्लियर नहीं करता वो बच्चा पास नहीं करता जिसने सब कुछ पढ़ा हो. वो बच्चा पास करता है जो कि अपने कॉन्सेप्ट को अपने रिविजन को भी मल्टीपल टाइम दोहरा रहा होता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर देता है. तुमने कितने ही 100 क्वेश्चन क्यों ना किए हो गुडविल एडमिशन के पार्टनरशिप के तुमने उसको रिवाइज भी कर लिया हो आज की डेट में लेकिन आज तुमने रिवीजन पता है कैसे किया समझना इस बात को. हाइलाइटेड टेक्स्ट से पढ़ा तुमने आरटीपी एमटीपी के 50 सवाल कर लिए. अब लग रहा है यार इतना कुछ तो पढ़ लिया है अब वापस मौका नहीं आने वाला एग्जाम के पहले रिवाइज करने का. तो इसमें करो क्या सुपर फास्ट ट्रैक रिविजन नोट अपने बना लो. कैसे करना है मैंने यहां पर सिंपली लिखा हुआ है सॉरी यार दिख नहीं रहा होगा मैंने यहां पर सिंपली लिखा क्या हुआ है गुडविल कैलकुलेशन एडमिशन
पास्ट ईयर प्रॉफिट प्लस माइनस एडजस्टमेंट इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसको एकदम छोटा छोटा लिखना है और तुम्हें डायग्राम्स बनाना है, डूडल फ्री राइटिंग करनी है, फ्री हैंड राइटिंग करनी है, तुम्हें नोट्स पब्लिश नहीं करने हैं, तुम्हें समझ में आने चाहिए। तो तुम्हें करना क्या है, तुम अपने आप को एक और मौका दे रहे हो, तुम अपने आप को एक और मौका दे रहे हो कि आज जो इतना तुमने गुडविल पढ़ा हुआ है इतना ज्यादा एमटीपी आरटीपी से, तुमने उसको एक नन्हे से पेज में कन्वर्ट कर दिया एंड नाउ यू आर गिविंग योरसेल्फ एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज इट अगेन। एक चीट रिविजन तुमने उसमें से ढूंढ निकाला है अगले 20 दिन के लिए। कभी भी ब्रश कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, इसको देख लो ना, वो रिविजन भी फिर से रिवाइज हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? वीडियो को लाइक करिए और कॉमेंट में मुझे बताइए। ये होने वाला है आपका सेवियर जो बच्चा यहां तक देख रहा है इस वीडियो को, राइट? तो मैंने इसमें फटाफट से बोल दिया, इसमें बस मैंने लिख दिया कि पास्ट ईयर प्रॉफिट प्लस माइनस एडजस्टमेंट इज इक्वल टू एफएमपी, ट्रेंड सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज। एकदम छोटा छोटा एक ही लाइन में इसको लिख सकते हो, छोटा छोटा सा, मैंने तो फिर भी बहुत बड़ा लिखा हुआ है तुमको दिखाने के लिए। देन एपी इंटू एनवाईपी इज इक्वल टू गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इज इक्वल टू गुडविल। उसके बाद मैंने छोटा सा लिख दिया एडमिशन है तो गुडविल शेयर निकालना है न्यू पार्टनर का, उसको एलोकेट करना है न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, कैपिटल अकाउंट से एलोकेट करना है, कैपिटल अकाउंट टिक, गुडविल क्रॉस, गुडविल अकाउंट को हम लेकर के नहीं आते हैं। उसके बाद इनहेरेंट गुडविल, कैश नॉट रिसीव तो क्रॉस क्रॉस। तो दिस इज योर साइन राइटिंग, इसको बोलते हैं ना कि एकदम छोटे से छोटा आपने फिल्टर आउट कर दिया अपने रिविजन को भी। अब यहां पे तुमने 6-7 क्वेश्चन सॉल्व किए एडमिशन के और एक क्वेश्चन में तुमको डाउट हो रहा है तुमने नहीं अच्छे से सॉल्व किया। तुमने डेफिनेटली फर्स्ट टाइम रीडिंग में कुछ ना कुछ मार्क किया होगा, स्टार मार्क किया होगा, अभी भी किसी क्वेश्चन में तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है और तुमको पक्का पता है कि तुम इसको भूलने वाले हो, लेकिन 20 दिन तो तुम्हारा रिवीजन चलने वाला है तो वापस इसको कब करोगे? तो यार सुपर ट्रैक फास्ट ट्रैक रिवीजन नोट्स बनाते क्यों नहीं, बनाओ ना, ठीक है? ये बात हो गई है और बस यही बेसिकली बात थी कि आपने अपने रिवीजन के दौरान टफ पॉइंट और टफ क्वेश्चंस को फास्ट ट्रैक कंसाइज नोट्स में कन्वर्ट करना है, सुपर फिल्टर आउट करना है, जिससे कि अभी भी मौका मिले ब्रश करते वक्त, इधर उधर घूमते वक्त, कुछ भी करते वक्त कि तुम उसको देख पा रहे हो। नाउ नंबर सेकंड थिंग हियर इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, नंबर सेकंड थिंग हियर इज, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस भी बनाऊंगी कि इस वक्त पे एमटीपी आरटीपी रिविजन के दौरान करना कितना जरूरी है। अभी भी वो नलायक बच्चे हैं जो कि सोच रहे हैं कि मैम पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा तब रिवीजन आरटीपी करेंगे। याद रखना आरटीपी एमटीपी पास्ट क्वेश्चंस और ऑफ कोर्स जो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस हैं, दीज आर द वंस जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं। तो जितना हो सके आखिरी के एक महीने में जो बचे हुए चंद दिन हैं उसमें अपने आप को इससे रिलेशन बनाइए अपना। तो मैम क्या कर सकते हैं, हमारा तो टॉपिक कंप्लीट नहीं है, पार्टनरशिप ही कंप्लीट क्यों ना हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही क्यों ना कंप्लीट हो, तो 4-5 एमटीपी आरटीपी अपने पास रखो, मैं यही करती थी, और उसमें से फिल्टर आउट कर लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस, उसको ढूंढ ढूंढ के करना शुरू कर दो। तब देखना तुम्हें लगेगा कि यार ये कंप्लीशन हो रहा है, रिवाइज प्लस उस पे ठप्पा लगा एमटीपी आरटीपी, फिर नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज ठप्पा लगा, वर्सेस तुम किसी दुनिया में जी रहे होगे और तुम सोच रहे एक दिन लॉ कंप्लीट होगा उस दिन आरटीपी उठाएंगे। सो दीज वर द टू पॉइंट्स व्हिच आई डिस्कस्ड, फास्ट ट्रैक सुपर रिविजन नोट्स, हाईलाइट से नहीं पढ़ना है, हाईलाइट से अगर हाईलाइटेड है भी आपके पास तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए उसको फास्ट ट्रैक नोट्स में कन्वर्ट करना है, छोटे छोटे नोट्स। और ये फास्ट ट्रैक नोट्स सबके लिए करने की जरूरत नहीं है, ओनली दोस टॉपिक्स जो कि आपको लगता है कि जिसमें मैं कहीं थोड़ा सा कच्चा हूं, राइट? सो बेसिकली आई टोल्ड यू कि द हैक इज कि तुम कितनी बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस डेटा को फीड कर रहे हो और तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। ये बहुत ही छोटी सी बात थी जिसको बोलते हैं हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली बिफोर योर एग्जाम्स। यू हैव फुल कंट्रोल, फुल पावर ऑन वॉट एवर यू आर रिवाइजिंग। एंड येस लास्ट थिंग इज कि अपना रिविजन का, अपना प्रैक्टिस का और कुछ नए टॉपिक्स अगर बचे हुए हैं उसका टाइम जो है तुम इस वक्त इस तरीके से बनाओ कि तुम 70% या फिर कम से कम 60% कर रहे हो, तुम 20% प्रैक्टिस कर रहे हो और 20% फ्रेश चैप्टर पढ़ रहे हो। मेरे ख्याल से कुछ छोटी मोटी चीजें ही बची होंगी एक अच्छे बच्चे के लिए। अगेन 60% अराउंड फॉर योर रिवीजन एंड रिवीजन इन दिस फॉर्म, मेमोराइजिंग की बात भी करती हूं, 20% फॉर योर प्रैक्टिस फ्रॉम आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर एंड देन द रिमेनिंग 20% फॉर योर फर्स्ट टाइम रीडिंग ऑफ सर्टेन चैप्टर्स व्हिच यू हैव मिस्ड अर्स्टवाइल। फोर्थ एंड द फाइनल थिंग राइट नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो इज, आप मुझे वैसे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप यूज कर रहे हैं, cafoundationclasses.com पे फ्रेश बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, वो भी देख सकते हैं। इस वक्त जो है रिवीजन भी चल रहे हैं कुछ कुछ टॉपिक्स के, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप के, उसमें मैं पार्टनरशिप नोट्स भी दे देती हूँ।
लास्ट थिंग इज वेन एवर यू आर रिवाइजिंग फॉर द फाइनल टाइम मेक श्योर दैट यू डू नॉट स्टूपिडली सी इट एंड से कि मेरे को तो याद हो गया. द बेस्ट वे टू रिकॉल थिंग्स इज बाय क्लोजिंग द बुक. व्हेन यू क्लोज द बुक एंड देन यू ब्रिंग योर ब्रेन टू वर्क द ब्रेन मसल्स टू वर्क तब आप फिगर आउट कर पाओगे कि डिफरेंस क्या था. और ये जब आप ब्रेन मसल्स को काम करवाते हो रिकॉल करते हो आंख बंद करके वही चीज रिटेन हो पाती है. देखने में तो कोई भी चीज सबको याद आ जाती है राइट. ऐसे ही मैंने जो है एक और वीडियो मतलब बनाया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. आपको पता होगा इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत एग्जांपल्स हैं. तो देखो इन्विटेशन टू ऑफर में मैंने लिखा है ऑफर नहीं है ये, ऑफर क्रॉस. इन्विटेशन फॉर न्यू ऑफर टिक, डेफिनेट क्रॉस, डेफिनेट नहीं होता है ना ये. फिर कन्वर्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होने की इसकी इज्जत नहीं होती है, क्रॉस. सर्कुलेशन ऑफ ऑफर होता है, टिक. ये प्रीसीडिंग एंड ऑफर होता है, टिक. फर्दर एक्ट होती है, इसमें चाहता है न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. उसके बाद मैंने यहां पे एक ऐसे करके बना दिया है, यार दिख नहीं रहा है, ऐसे करके चीजें बना दी हैं और लिख दिया है. इसका टेस्ट क्या होता है? टेस्ट होता है इंटेंशन. इनविटेशन टू ऑफर का टेस्ट क्या होता है? इनविटेशन और इंटेंशन और विलिंगनेस. फिर एग्जांपल्स लिख दिए. तो मैंने ये चीज बहुत ही दिख नहीं रही होगी, मैंने ये चीज बहुत ही बड़े में लिखी है, तुम इसको इतने से पैराग्राफ में लिख सकते हो इनविटेशन टू ऑफर. अगर तुमको लगता है कि चांसेस हैं कि रिवाइज करने के बाद भी तुम्हें इसको एक बार जरूर देखना है. सो दिस वॉज द वे इन विच यू आर वॉट यू आर डूइंग. तुम जो अभी टाइम मेहनत लगा रहे हो तुम उसको लॉक करके रख रहे हो. क्या फायदा इतने महीनों की मेहनत, पैसे खर्चिए कोचिंग में, रिवाइज भी किया लेकिन सिर्फ नाम का रिविजन हुआ, वो आखिरी तक सस्टेन किया ही नहीं राइट. सो दिस वॉज मी अग्रिका साइनिंग ऑफ. ऐसे ही और अच्छे मोटिवेटिंग वीडियोस लेकर के आती रहूंगी. कोई टॉपिक है दिमाग में तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना. थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे मोटिवेटेड. पास्ट में क्या हुआ वो उतना डिफाइन नहीं करेगा जितना आज का तुम्हारा, जो कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा. इट्स नेवर टू लेट एक्चुअली. आई अंडरस्टैंड इट और आई डिग फॉर इट. जब जागो तब सवेरा. बाय बाय, टेक केयर.